उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका इस्तकबाल। शुरुआत करते हैं नजर सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर। चलिए पेश खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं, जहां पर मुल्क के बाकी हिस्सों में आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ आज प्रकाश पर्व के मौके पर तकरीबात हो रही हैं। इस सिलसिले में जम्मू सूबे के साथ साथ वादी कश्मीर में आज सुबह ही गुरुद्वारों के अंदर मुख्तसर तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीनगर में तारीखी गुरुद्वारा छठी पातशाही में अब से थोड़ी देर पहले GOC 15वीं कोर के श्रीनगर में कायम जनरल DP पांडे इस तकरीब का हिस्सा बने और जहां पर उन्होंने माथा टेका और आज के दिन इस अहम मौके पर सिख बरादरी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। वहीं अमनो सलामती के लिए और खुशहाली के लिए उन्होंने दुआएं भी मांगी। मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए आज तकरीबात हो रही हैं और प्रकाश पर्व पर वादी कश्मीर में भी अहम मजहबी मकामात बिलखसूस श्रीनगर और बारामूला में आज गुरुद्वारों में तकरीबात हो रही हैं। ताहम इस बार COVID-19 पर की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की जानिब से पहले ही यहां पहुंचने वाले लोगों को जरूरी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सबसे पहली बात है, बहुत ही अच्छा प्रबंध था और आज एक बहुत ही पावन दिन है और मैं यहाँ पर तकरीबन हर जगह पे मस्जिद हो, ज़ियारतें हों, गुरुद्वारे हों, मंदिर हैं, हर जगह पे मैं जा चुका हूँ। एक सिर्फ छठी पातशाही मेरा रहता था। आज मेरी किस्मत है कि मैं यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ पाया और मैंने ये अरदास यही करी है कि कश्मीर के अंदर एक पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, लोग खुशहाल रहे और हमारे जो जितने जवान हैं चिनार कोर के, जहां जहां भी तत्पर हैं, सजग और सही तरीके से अपनी ड्यूटी दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुनने आ गए कश्मीरी लोग हैं, सिविलियन पॉपुलेशन है यहीं पर, चाहे यहीं की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरे देश भर में या दुनिया में हमारा एक तरीका रहा है काम करने का। जब भी किसी सिविलियन को कोई तकलीफ होती है, हम आगे बढ़ करके उनकी मदद करते हैं। तो ये जो चिनार कोर ने काम करा है, ये हमारे खून के अंदर है और खासतौर से अगर कश्मीरी पॉपुलेशन और चिनार कोर एक हैं तो जहाँ भी किसी आदमी को प्रॉब्लम होगी, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम बढ़ के उनकी मदद करें। आज के दिन पे तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि खुशियां वापस लाओ और खुशियां वापस लेके आने का जिम्मेदारी जो है जो यूथ है उसका है, क्योंकि एक यहाँ पे एक नेगेटिव जो गंदा नेगेटिव चल रहा था उससे हटने की जरूरत है। उनको जिम्मेदारी उठानी है कि ये समझें कि नेगेटिव नेगेटिव कौन चला रहा है, उसे हटकर। बात अब जम्मू कश्मीर के मौसम की, जहां पर महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जुमे से बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी होती रही और इसका सिलसिला गुजश्ता शाम तक जारी रहा। ताहम आज सुबह सुबह मुख्तलिफ इलाकों से इतलात मौसूल हो रही है कि मौसमी सूरतेहाल में आज बेहतरी आई है। इधर डायरेक्टर महकमा मौसमियात सोनम लोटस के मुताबिक आज एक बार फिर मुतद्दिद इलाकों में अगरचे मौसम अबरालूद रहेगा, ताहम
बर्फबारी का आज कहीं पर भी कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, वहीं पर बारिशों का इम्कान भी फिलहाल नहीं है। इस बीच कल यानी 10 जनवरी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बलाई इलाकों में एक बार फिर मौसम में बेहतरी के आसार हैं। श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी के बाद बहाली का काम भी जारी है और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक एक बार फिर जहां वादी कश्मीर को बाकी हिस्सों के साथ मुल्क के जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बर्फ हटाने का या बहाली का काम जारी है, तो श्रीनगर में भी इंतजामिया की तरफ से कल से ही कोशिशें की जा रही थी भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके। अब खबर यह भी है कि बेशतर हिस्सों के अंदर बर्फ हटा ली गई है और श्रीनगर एयरपोर्ट की भी तस्वीर अब आपको बताएंगे, जहां पर इंतजामिया की तरफ से आज सुबह ही बर्फबारी का हटाने का सिलसिला जो है वो कल से चल रहा था, लेकिन आज बहाली का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद दो परवाजें सुबह सुबह श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे से जो ऑपरेशन तकरीबन 15 से 18 घंटों तक मुअत्तल रहा, बार बार खराब मौसम की वजह से मुतासिर हो रहा था, बहाली के इम्कानात कल शाम से जरूर थे और आज मौसम बेहतर होने के साथ ही ऑपरेशन को बहाल कर दिया गया है, इस तरह की इत्तला मौसूल हो रही है और सुबह सुबह दो परवाजें भी पहुंची है। दूसरी तरफ शहर श्रीनगर के बेशतर हिस्सों में जहां बर्फ हटाने का काम भी इस वक्त भी शद्दोमद से जारी है, लेकिन कुछ इलाकों में जहां अभी तक इंतजामिया पहुंचने की कोशिश कर रही है पहुंच नहीं सकी है, सर्दी भी है, फिसलन की वजह से भी एहतियात के साथ इकदाम किए जा रहे हैं। लोग जल्द अज जल्द सड़कें बहाल हों, रबते बहाल हो सकें जो पिछले 48 घंटों से मुनकता थे, इसे लेकर अपनी नाराजगी का भी इजहार कर रहे हैं। जनाब ये सड़क सारी खत्म गुंद कमाल बचे एक्सीडेंट खत्म खतरे सुपेट गए बाइक वाले आटो वाले एक्सीडेंट शीन आव ना तुलने अप शीन तुम पे मगर सड़क से सारी गतम ये सी तकरीबन कूत कल गो तो ये परेशानी तुलान अप कम से कम वरी बे ट्रैफिक ज्यादा ट्रैफिक सोरी यपर त्रोक ना मैगडम वैगडम कहीं मैगडम वैगडम त्रोक नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा ये तो ये कत करो फिलहाल तुझे बसा आब तु जमा गुत वाटर स्टेशन कंप वंप आवा लाग एक्सीडेंट वैक्सीडेंट मा गो यपर कमाल बचा ट्रैफिक वाले ड्यूटी ड्यूटी क्या अपील तुम्स सर किस तरह की मुश्किलात है? जैसे हमने देखा इधर से हम रोज गुजरते हैं तो लोगों की काफ़ी मुश्किलात है, सड़कें खराब है, इसलिए हमने कई बार हमने आला हुकूमत से इस बारे में बात की थी मगर अभी से वो तासर मज़ नहीं हो रही है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात है चलने फिरने में। हम देखते रहते हैं ट्रैफिक वाले भी सुबह शाम लगे रहते हैं गाड़ियों को दाएं बाएं घुमाने की ताकि सेफ जगह से सेफ जर्नी से इनकी ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल सही रहे। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं यहाँ पर, तो क्या डिपार्टमेंट के एंड से कोई यहाँ आया नहीं या इस पर तवज्जो नहीं की? डिपार्टमेंट वो तो इसमें मुझे लगा हमने कई बार इनसे फ़ोन पे भी बात की थी टीपीजन से कंसर्न क्रिएशन मगर उसने कुछ ऐसी बात बताई कि हमारी बात लोगों ने माना है तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो पानी भी जमा हो गया है सड़कों पर, तो क्या वाटर स्टेशन वगैरह या पंप वगैरह लगाया गया है यहाँ पर कुछ पानी निकालने? वाटरिंग स्टेशन तो यहाँ कोई यहाँ मैंने साकर वाकर नहीं लगाया, तो हमने वैसे उनको बोला था ऐसे कुछ सुबह से कोई आया नहीं अभी तक, हमने कम्युनिकेट किया था। आपको लगता है इस रोड पर ज्यादा वर्कआउट है, ज्यादा लोड है? एक जानब वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानब अगर देखा जाए रोड्स की खस्ता हालत भी दिखनी शुरू हो गई है। हम इस वक्त मेन रोड नट्टीपोरा पे मौजूद है जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही लगातार 24 घंटे रहती है। इस रोड के साथ साथ यानी यहां के बाशिंदों का मानना है कि इस रोड पर तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं, फिसलन भी काफी ज्यादा है और एक्सीडेंटल प्रोन एरिया ये अब बन चुका है। खासतौर पर सरकार से इनकी यही अपील है कि इस मेन रोड पर तवज्जो फरमाई जाए ताकि यहां के। चलिए इरफान फाजिल इस वक्त श्रीनगर से भी बराह रास्त हैं, थोड़ी देर पहले वो रिपोर्ट फाइल कर रहे थे और सड़कों पर अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में फिसलन की वजह से इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही थोड़ी मुतासिर जरूर हो रही है, लेकिन इरफान ये बताइएगा कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या पूरी तरीके से ऑपरेशन बहाल हो गया है 12-15 घंटों से जो परवाजों का सिलसिला मुअत्तल था?
शुक्रिया आसिफ, अगर मैं बात करूं तकरीबन 12 से लेकर 15 घंटे के बाद जो है अब ऑपरेशनल खासतौर पर जो है एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब बहाल हो चुका है, जो काफी टाइम से मुअत्तल था क्योंकि काफी पैसेंजर्स नाराज थे, खफा थे कि फ्लाइट्स आ जा नहीं रही है। मगर आज सुबह सुबह हमने देखा कि सबसे पहले दो फ्लाइट जो है दिल्ली से आई जिसमें खास तौर पर खुशी का इजहार जो है पैसेंजर्स ने किया। इस बीच बात करें एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी कहा था कि जब मौसम साजगार होगा तो हम लोग ऑपरेशनली बिल्कुल रेडी हैं, जबकि इस वक्त की खबर यह है कि लगातार परवाजों का आना जाना शुरू हो गया है जिसके साथ साथ मुसाफिरों के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी है। तो शहर के बीचों बीच की इस वक्त क्या हालत है, तिजारती मराकज बंद थे, आज कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो पाई हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल चौक में और लाल चौक के इस रिगल चौक या रेजिडेंसी रोड पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर हर संडे इतवार को एक वेंडर्स मार्केट लगता है, स्ट्रीट मार्केट लगता है और वो आज बिल्कुल लगा हुआ है। पिछले बार जब मौसम खराब था उस वक्त काफी ज्यादा परेशानियां थी और पिछले दो दिनों से तो लोगों का जो रोजगार था वो भी मुतासिर हो गया था। और आप देख सकते हैं, अगर आप फुल फ्रेम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेंडर्स ने जो है सुबह सुबह स्ट्रीट मार्केट खड़ा कर दिया है, जबकि इसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां जो है सुबह सुबह शुरू हो गई है। मगर बाजार का हाल उतना गर्म नहीं है, यानी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से शॉपिंग होती थी या जिस तरीके से हर इतवार को यहाँ पर काफी ज्यादा रश रहता है वैसा नहीं है, क्योंकि एक साइड से सर्दी है, दूसरे साइड से फिसलन है, बर्फबारी है और अभी भी मौसम ठंडा है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि धीरे धीरे जो रोजगार है खासतौर पर इस मार्केट का लेकर जो लोग उसका है वो बढ़ेगा और रश देखने वाली बात होगी कि रश बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, तमाम जानकारी के लिए। चेरिस नगर की बेशतर सड़कों पर बर्फ हटाने का काम इस वक्त चल रहा है, भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन श्रीनगर के कुछ हिस्सों में जहां पर अभी तक बर्फ नहीं हटाई जा सकी है वहां पर भी फौरी तौर काम शुरू किया जाएगा, श्रीनगर इंतजामिया बार बार ये कह रही है। लेकिन अब जरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की भी बात करते हैं जहां पत्थर गिरने का और पसियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बीच मरोग और इसके आसपास की ये तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं जहां पर मुसलसल ट्रैफिक की नकलो हरकत कल से बंद पड़ी है। कौमी शाहरा पर बहाली का काम चल रहा है, जेसीबी का या बाकी मशीनरी का इस्तेमाल इस वक्त जरूर किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में परेशानी यह है कि मुसलसल एक तरफ जहां काम जारी रखा हुआ है इंतजामिया की जानिब से, मुतलका एजेंसियों की जानिब से, तो दूसरी तरफ बार बार स्टोन शूटिंग होने से या इसके साथ पत्थर गिरने की वजह से जो शाहरा है वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही मुतासिर हो रही है। इसके साथ बनिहाल टनल की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां पर अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि ऑपरेशन जारी है और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, धूप खिली है, मौसम खुशगवार जरूर है लेकिन गाड़ियों की आमदोरफ्त अभी भी मुतासिर हो रही है। कल से हम कौमी शाहरा पर इस ऑपरेशन को शुरू किए हुए मुसलसल देख रहे हैं मगर अभी तक ये इत्तला मिल रही है कि फौरी तौर पर बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। जो तफसीलात मिल रही हैं कि बनिहाल रामबन में स्लाइड्स बार बार गिरने से परेशानियां इंतजामिया के लिए भी बढ़ रही हैं और इस बीच दीगर कई इलाकों के अंदर भी जहां पर बर्फ के बाद बारिश का सिलसिला भी इस पूरे स्ट्रेच के अंदर होता रहा जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही मुतासिर हुई और कौमी शाहरा के ऊपर मिहाड़ हो, मरोग का इलाका हो, कैफेटेरिया मोड़ हो और दुग्गी पुली या बाकी जो एरियाज हैं वहां पर भी इस वक्त इंतजामिया एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है ताकि किसी तरह के हादसे से बचा जाए। आरिफ वहीद हमारे साथ हैं, आरिफ मजीद क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं कौमी शाहरा के हवाले से? जी बिल्कुल आसिफ, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से अगर बात करने की कोशिश करेंगे जहां पे एक्रॉस जवाई टनल जो बर्फ हटाने का काम शुरू है वहीं पे अगर बात करने की कोशिश करेंगे रामबन बनिहाल के इलाके में मुद्दी पे लैंड स्लाइड का सिलसिला जो कल से जारी था जहां पर मुसलसल बारिश हुई लेकिन उन स्लाइड्स को हटाने में मजीद वक्त लग सकता है। ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि ट्रैफिक की बहाली में जो है थोड़ी सी दिक्कतें दूर मौसम के आसपास से आई थी लेकिन आज अंदर मौसम खुशगवार है और धूप पूरी तरह से खिली हुई है लेकिन कहीं ना कहीं पे जो एक्रॉस जवाई टनल जो सुबह सुबह जो नालंदा इंजीनियर मतलब टनल बनाने वाली जो एजेंसी है उन्होंने बर्फ हटाने का काम शुरू किया जो फ्लाईओवर जो हाल ही में जो इस साल मुकम्मल हो गया उसमें काफी ज्यादा फिसलन थी उसमें जो है आयोडाइज का इस्तेमाल किया गया ताकि उस स्लिपरी एरिया को जो है बेहतर बनाया जाए। एक वन वे स्पेस जो है फिलहाल उस जगह पे स्पेस क्रिएट की गई है लेकिन जहां पर हम सीताराम पसी की बात करते हैं, मारो की बात करते हैं या जो हमारा केला मोड़ का इलाका है या कैफेटेरिया मोड़ रामबन है वहां पर कहीं ना कहीं पे जो है स्लाइड्स पर काम जारी है लेकिन अभी अगर हम माने तो ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया कि ट्रैफिक को कब बहाल किया जाएगा लेकिन ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि काम जो है और जो ही यहाँ पे जो है स्लाइड को क्लियर किया जाएगा
तो उसी एतबार से कोई ट्रैफिक अपडेट नहीं, क्योंकि सबसे पहले दरभंगा गाड़ियों को जो है आने जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली अगर इस समय की बात करें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा अभी भी मुसलसल जो है ट्रैफिक के लिए बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। दो मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक ये नवयुग टनल जिसे हाल ही में आमदोरफ्त के लिए खोला गया है, वहां पर बर्फ हटाने का सिलसिला जारी है। और दूसरी तस्वीर जो है जहां पत्थर भी गिर रहे हैं कौमी शाहरा के ऊपर, लैंडस्लाइडिंग बार बार होने की वजह से कामकाज यहां मुतासिर हुआ है। इस वक्त एजेंसियां अगरचे मुतहरिक नजर आ रही हैं, कल से काम चल रहा है, लेकिन खतरा काफी ज्यादा है, खतरा टला नहीं है, जिसकी वजह से ये सुबह की तस्वीरें हैं जहां तकरीबन एक घंटे तक स्टोन शूटिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से गाड़ियों को आगे जाने की फिलहाल या वादी जाने वाली जो जरूरी सप्लाई में जो शामिल गाड़ियां हैं या लंबी कतार में 3 दिन से इंतजार कर रही हैं, उन्हें अभी तक आगे जाने का मौका नहीं मिला। और अभी तक मौसूला इतलात के मुताबिक 3000 से ज्यादा मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां उधमपुर से बनिहाल रामबन तक दरमांदा हैं, जो इंतजार इस बात का कर रही है कि वादी कश्मीर के लिए कौमी शाहरा को ऑफिशियली थोड़ी देर बाद खोला जाए और वो यहां से अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो सके। बाद सियाहती मकाम गुलमर्ग की, जहां पर गुलमर्ग में भी बर्फबारी के बाद कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके में गैर मुल्की और गैर मकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद जरूर पहुंची है, लेकिन इस बीच जहां गुजश्ता रोज सहपैर सयाहों की एक बड़ी तादाद इस खूबसूरत मकाम पर पहुंची थी, इतलात कोंगडूरी इलाके से मौसूल हुई कि तेज हवाएं चलने से हर तरफ खौफ और हिरास का माहौल फैला। और सुबह सुबह जो इतलात मिल रही है कि बर्फबारी के बाद यहां अब तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मकामी नौजवान जो है वो आगे गए और जो गैर मकामी सयाह थे उनको बहिफाजत उस मकाम से निकाला जाए जहां पर उनकी जान को किसी तरह का खतरा था। स्नो बाइकर्स आगे आए, स्नो बाइकों पर सवार होकर ये नौजवान आगे गए और सयाहों के एक ग्रुप को कंगदोरी इलाके से फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद सयाहों ने स्नो बाइकर्स एसोसिएशन गुलमर्ग का भी शुक्रिया अदा किया है। लेकिन मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं, इशफाक डार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। इशफाक, सयाहों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है, इस वक्त भी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन ये जो वाकया पेश आया है किसी तरह के नुकसान की इतलात हैं, क्या कुछ आपके पास और डिटेल्स हैं? बिल्कुल अच्छा, जिस तरीके से कल ये वाकया सुपेर को पेश आया सैदी मकाम गुलमर्ग के कंगडूरी में, जो आपने अभी जिक्र किया है, यहाँ पर जो कुछ सयाह थे, सयाहों का एक ग्रुप था वो कंगडूरी से थोड़ा आगे चला गया था, क्योंकि वहां पर एवलांच हिट एरिया जो है वहां पर चला गया था और यहाँ पर उनको बर्फबारी का नजारा लेने के लिए अचानक इस तरह का यहाँ पर जो है तूफान आया और कहीं ना कहीं जो सयाह थे वो उसके बीच में फंस गए। और मकामी जो यहाँ पर नौजवान है, जो स्नो बाइकर एसोसिएशन के नौजवान जो लड़के हैं, वो उनको फौरी तौर उनकी इत्तला मिली कि कई सयाहों का ग्रुप जो है वो इसके बीच में फंसा हुआ है और यहाँ पर जो स्नो बाइकर एसोसिएशन है वो वहां पर गई और उन्होंने जो एक सयाहों के ग्रुप को जो है वहां से रेस्क्यू किया और बहसबाजत उन्हें यहाँ पर महकमा सयाहत के जो काउंटर है वहां पर लाया और वहां पर उनको बाजबत और उनको ट्रीट किया गया, उनको गर्मी के नजदीक रखा गया ताकि सयाहों को कोई दिक्कत न पेश आए। उस वजह से हम अभी जो है इस जमीन में हमारी बात हुई महकमा सयाहत के अफसरान से अभी इस हवाले से बात की कि इस वीडियो के बेद में किस हद तक सच्चाई और यहाँ पर जो सयाह आना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए ताकि एवलांच एरिया जो पहली गुलमर्ग में भी एक एवलांच जो है यहाँ पर आने के खतरात रहते हैं तो उस एरिया को क्या करना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि जो पूरा एवलांच एरिया है जो G4 का जो एरिया है गुलमर्ग में वहां पर क्योंकि काफी तादाद में यहाँ पर अब जो सयाह आ रहे हैं और स्कीइंग के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें एहतियात करना चाहिए, जो महकमा सयाहत की तरफ से बाउंड्रीज दी गई है उन्हें पार करने की न कोशिश की जाए ताकि कोई बड़ा। मेरा सवाल था चूंकि गाइडलाइंस कुछ होंगी तो क्या यहाँ पर बाकायदा इंतजामात हैं महकमा सयाहत की जानिब से, और जब बर्फबारी दोबारा हुई है तो किसी तरह का कोई इवेंट मजीद प्रोग्राम इस नए साल के दूसरे हफ्ते में किसी तरह का प्रोग्राम यहां पर है डिपार्टमेंट का? महकमा सयाहत ने आज जो है हमने उनसे बात की तो उनका तरफ से अब जो है तैयारियां की जा रही है, स्कीइंग कोर्स जो है गुलमर्ग में किए जा रहे हैं, वही महकमा यूथ सफिशिएंट सपोर्ट्स की तरफ से सैदी मकाम गुलमर्ग में जो है स्कीइंग का आगाज किया जा चुका है, मुख्तलिफ जो अजला है वहां से जो है बच्चे यहाँ पर अभी तरबियत हासिल कर रहे हैं। लेकिन सयाहत के साथ साथ अब उम्मीद यहाँ के नौजवान और यहाँ के जो स्कीयर्स है वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब जो है खेलो इंडिया का आगाज यहाँ पर किया जाएगा और काफी तादाद में जो यहाँ के मकामी नौजवान को रोजगार भी फराहम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कोंगजूरी गुलमर्ग की तस्वीरें आपके सामने जहां पर सयाहों का एक ग्रुप फंस गया था लेकिन तेज हवाओं के बीच किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, यह अच्छी खबर है। मकामी जो बाइकर्स हैं, मकामी नौजवान हैं, वो आगे गए, इन सभी लोगों को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है।
इधर सरद जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट में मिन्हाई गांव में मुगल शाहरा के करीब जहां बर्फानी तोदे की जद में मां बेटी आ गई, लेकिन अच्छी बात यह कि दोनों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। कड़ी मशक्कत हुई। पुलिस के मुताबिक ये वाकया तकरीबन 5 बजे के करीब पेश आया। नसरीन अख्तर और उनकी 11 साल बेटी जाहिरा कौसर जो करीब ही पानी ले जाने जा रही थी, अचानक बर्फानी तोदा गिर गया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता बर्फ के नीचे धंस गई। खुशकिस्मती से कुछ मकामी लोगों ने यह सारा वाकया देखा और शोर मचाया, जिसके बाद इलाके के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों मां बेटी को बर्फ के नीचे से ढूंढ निकालने में ये सभी लोग कामयाब हुए। ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। बढ़ते आगे बात मुल्क के अंदर कोविड 19 के केसेस की, और आज शाम 4:30 बजे वजीर आजम की जानिब से कोविड सूरतहाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग भी तलब की गई है। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में तश्वीशनाक इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 156,632 नए पॉजिटिव केसेस मुल्क भर से तमाम रियासतों और यूटीज से सामने आए हैं। 27 रियासतों और यूटीज में 3623 ओमिक्रॉन के केसेस की अब तक तस्दीक हुई है सरकारी सतह पर, और वजीर आजम मोदी शाम 4:30 बजे अहम इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि सीनियर अफसरान और मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदे भी इसमें शिरकत करेंगे। क्या तैयारियां हैं, हर स्टेट हर यूटी के अंदर इंतजाम कैसे हैं, ओमिक्रॉन तो अपनी जगह लेकिन अचानक से जो कोविड के केसेस में उछाल, कल तक जो केसेस 30,000 से 35,000 के बीच में रहे, आज वो केसेस 1.5 लाख से तजावुज योमिया जा रहे हैं। इसलिए तमाम चीजों के का जायजा लेने के लिए इकदाम इंतजाम, कोविड टेस्टिंग ट्रीटमेंट और इसके बाद टीकाकारी के अमल को मुकम्मल करने के हवाले से क्या कुछ इंतजाम रहे हैं, उस पर आज वजीर आजम एक अहम इजलास की सदारत 4:30 बजे दिल्ली के अंदर करने जा रहे हैं। इधर आपको बताएं कि मुसलसल केसेस जहां पर बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और इसके साथ साथ यह भी खबर मिल रही है कि कोरोना का कहर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 4 जजों के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई और 4 जजों समेत 150 केसेस की तस्दीक हुई है। तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस तक भी 400 से ज्यादा केसेस की तस्दीक अब से थोड़ी देर पहले हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी पिछले 24 घंटों में 655 ताजा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस की तादाद मुतासरीन की तादाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 3,43,965 से बढ़ गई है। 24 घंटों के दौरान यूटी के दोनों सूबों में 392 जम्मू से और 263 केसेस कश्मीर सूबे से रिकॉर्ड हुए हैं। इस बीच 133 केसेस सिर्फ जम्मू जिले से सामने आए हैं, जबकि यूटी में अभी तक 2,982 एक्टिव केसेस हैं और 3,36,000 से ज्यादा मरीज अब तक कोविड 19 से निजात पा चुके हैं। इन 24 घंटों के दौरान ताजा केसेस के बाद 3 मजीद अमवात की भी तस्दीक इंतजामिया ने की है। इधर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में मरकज के जेर इंतजाम इलाके में तमाम अजला में वबाई अमराज की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू से श्रीनगर तक के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ बिलतरदीब कश्मीर और जम्मू के 2 डिविजनल हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली आला सतही ऑनलाइन मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तीसरी लहर से कबल मकामी सतह पर ज्यादा बेहतर और मौसर इकदाम करने की जरूरत है। उन्होंने अपडेट्स के लिए एक नामजद डैशबोर्ड कायम करने का भी हुकाम को मशवरा दिया। उनने कोर्स के बाद तीसरी लहर के पेश नजर मुतद्दिद दीगर हिदायत भी अफसरान को जारी कर दी हैं। मरकजी वजीर बराए अकलीती अमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि यकुम नवंबर से दरख्वास्तों की वसूलियाबी का सिलसिला जारी है और अब तक हिंदुस्तान में तमाम रियासतों में 53,000 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि फिलहाल हज के ताल्लुक से सऊदी अरब ने कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया है। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मुआहिदा भी नहीं हुआ है। मरकजी वजीर ने हज 2022 के मुतल्लिक एक तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में जहां पर
जायरीन की हिफाजत का जिम्मा ममलिकत और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके मुतालिक अभी तक किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजीद कहा कि आफत के खात्मे, अवाम की सेहत सलामती के लिए कुव्वत मुदाफत और एहतियात के साथ दुआ ही सफरे हज को मुमकिन बनाएगी, जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। हज 2022 को लोगों की सेहत सलामती और हिफाजत को तरजीह देकर उन्होंने कहा कि सहूलतों और बेहतरी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश है। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका है और आजमीन खुद ऑनलाइन दरख्वास्तें दे रहे हैं और वो मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी रखी गई है। फिलहाल 50,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल मुतलका वजारत को हो चुकी हैं। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।